आई होप यू डूंग रियली गुड और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया फ्लो में चल रही है कुछ ऐसा है कि सी एस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में जो आपका मॉड्यूल थ्री है उसमें देर थ्री सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज फंडिंग एंड लिस्टिंग द सेकेंड सब्जेक्ट इज MCS and the third subject is your optional subject. ठीक है? तो so, उसमें the most bottleneck subject is funding and listing. कि जो funding and listing का पहला paper है bottleneck है, because thankfully MCS एक open book है subject है और optional भी एक open book subject है. तो so, module three आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन way out करता है कि आप overall जो आपका पूरा ग्रुप से उसमें एग्रीगेट आप हिट कर सके तो एग्रीगेट के लुकआउट से मॉड्यूल थ्री आपके एग्रीगेट में आपको बहुत बड़ा पुष्ट देता है कि आपका मॉड्यूल और मॉड्यूल टू में भी अगर कभी कम पड़ता है तो आपका मॉड्यूल थ्री अकेला दोनों के एग्रीगेट को निकाल सकता है इतनी ताकत रखता है मॉड्यूल थ्री इसमें जो सबसे वी कैन से बॉटल नेक सब्जेक्ट है दैट इज फंडिंग बिकॉज एन ओपन बुक सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो एन ओपन बुक सब्जेक्ट जनरली स्टूडेंट्स स्कोर गुड मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स फंडिंग पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होता है मेरा विश्वास है जैसे कि मैं बैच में बोला था कि फंडिंग के अंदर भी आप आउटस्टैंडिंग स्कोर कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो उस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों की अपनी अपनी चल रही थी मैं यहां पर आ जाया था टू अनाउंस समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फंडिंग एंड अनदर अनाउंसमेंट फॉर एमसीएस ठीक है ऑप्शनल के लिए भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है फंडिंग और एमसीएस के लिए एमसीएस के लिए मैंने कुछ समय पहले केसेस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ कॉर्पोरेट लॉ का एक लेक्चर रिलीज किया था काइंड ऑफ मैराथन तो उसके बाद से स्टूडेंट्स आस्किंग सर एमसीएस का पूरा मैराथन कब आएगा जैसे कि तकरीबन मैं अगर बात करता हूँ तीन सौ केसेज हैं तो उन तीन सौ केसेस का मैराथन कब आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी क्लियर कि मैं उन तीन सौ केसेस का जो एक मैराथन लेक्चर है वो हंड्रेड परसेंट लाने वाला हूँ बट यहाँ पे कैसा होता है कि चैप्टर वाइज चीजें आती हैं एमसीएस के अंदर सेंस हमारे जो लाइव लेक्चर्स हैं मतलब पुणे के जो लाइव लेक्चर्स हैं वो भी ड्यू टू द करंट सारी ऑफ कोविड हो नहीं पा रहे अदरवाइज तो एक लाइव मैराथन ही हो जाता और उसमें सब चीजें कवर हो जाती अच्छे से बट थ्री हंड्रेड केसेस का क्विक रिविजन कवर करूंगा ठीक है अब जैसे कि अगर मैं एमसीएस के रेगुलर बैच की बात करता हूं तो रेगुलर बैच एमसीएस का हमारा जाता है हंड्रेड प्लस आर्स का एमसीएस का रेगुलर बैच जाता है 100 का. वहीं मेरी कोशिश रहेगी कि यहां पे इस पार्ट वन पार्ट टू के अंदर मैं कुछ

तो ये पार्ट वन है वो यूट्यूब पे कभी भी आ सकता है और पार्ट टू है वो थोड़ा सा लेट आने वाला है तो इस तरह से आपके एम के सारे केसेज हैं वो यहाँ पे आपके डन हो जाएंगे क्लियर है ये इसका ऑब्जेक्टिव अगेन जो अपने रेगुलर बच्चे हैं वो ये जो वीडियो बार 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 देखें बिकॉज जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे उतना आपका होल्ड स्ट्रांग होगा बट आई बिलीव एनी पर्सन जो कि आउटसाइडर भी है जिनका अभी अटेम्प्ट है जो पहले क्लासेस कहीं पे कर चुके हैं वो भी बच्चों के लिए रिविजन के लिए यूजफुल रहेगा ठीक है तो ये एम का बात हो गया डेट तो डेट के, so, exactly sure so, के लिए प्लीज मत पूछिएगा जैसे ही आता है चलो अब बात आती है फंडिंग की सो नाउ अंडरस्टैंड फंडिंग के लिए आई कि जो रेगुलर बैच के बच्चे उनके लिए एक चीज करते हैं हम जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर का एक क्विक रिविजन लिया जाता है

तो उस लुकआउट से ये बनाए जाते हैं कि उन बच्चों को हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं ये उनको बस क्विकली रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है और इसका मेन पर्पज रहता है कि बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले सिलेबस कवर कर सके और साथ ही साथ उसको कभी भी किसी चैप्टर का रिविजन करना है तो हाफ एन आवर में एक चैप्टर का उसका रिविजन हो जाए उसके लिए वीडियोज दिए जाते हैं सो सिंस थिंग्स आर नॉट सो गुड अभी और बच्चों के लिए बाकी चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं फंडिंग के पूरे क्विक रिविजन वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे आपके पब्लिश कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपने क्या करना है सबसे पहले ये ये एक वीडियो वीडियो देखना है ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए आप ये अपेक्षा ना रखें कि यहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है ये ना तो मेरा रिविजन लेक्चर है ना ही मेरा मैराथन लेक्चर है ना ही रेगुलर बैच है ये है एडिशनल सप्लीमेंट जो हम रेगुलर बैच के बच्चों को देते हैं तो इसलिए अगर आप रेगुलर बैच स्टूडेंट हो तो, तो आपको पता ही है और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा इफ इट ऑल दर एनी पर्सन ऑन यूट्यूब इज वॉचिंग इट तो आप बस कॉशियसली देखें कि उस चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लें एंड देर आफ्टर ये वीडियो देखें तो ये वीडियो आपके दिमाग में उन चीजों को अच्छे से स्टिक करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बहुत हेल्पफुल रहेगा ठीक है तो ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे आप वही यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे शुभम यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे प्ले के अंदर क्विक रिविजन फॉर फंडिंग एंड लिस्टिंग क्विक रिविजन फॉर फंडिंग एंड लिस्टिंग ऐसा एक प्ले लिस्ट बना होगा उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के रिविजन वीडियो मिल जाएंगे अगर एक आदि चैप्टर के सुफारे आई रिमेबर आपके टोटल जो चैप्टर हैं उसमें सेन आउट ऑफ सिक्सटीन ट्वेल्व चैप्टेडी अपलोडेड चैप्टर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड तो अभी मैं उनको बस पब्लिकली अपलोड पब्लिक उसकी वो जो सेटिंग रहती है उसमें अभी अनलिस्ट करा हुआ है तो उसको मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा अभी बाकी वो ट्वेल्व चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड है बचे हुए भी धीरे धीरे अपलोड धीर हो ही जाएंगे सो so, ये जो वीडियोस वीडियो है आपकी हेल्प रहेंगे जब आपकी फंडिंग की पूरी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है so, जो आपकी फंडिंग की अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है जस्ट जो टू जो जो तो रिवाइज तब तो आप क्विक यूज कर सकते हैं सो so, दैट जो प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स है बिकॉज एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए तो पूरे हमारे प्रॉपर मैराथन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब सो जो प्रोफेशनल के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये एक एडिशनल चीज है दैट फंडिंग के लिए आपके लिए आपके क्विक आ जाएंगे MCS के लिए आपका प्रॉपर मैराथन आएगा और फंडिंग के वीडियोस आपको अभी इस वीडियो को देखने के बाद एमसीएस तो के, तो okay? के वीडियोस का मैं भी डेट नहीं दे रहा हूं बट यहां भी 100 परसेंट मैं कह रहा हूं कि आपके मैराथन आएंगे एक आएगा पार्ट ए पार्ट वन एक आएगा पार्ट बी ऑप्शनल को लेके एक सिंपल से छोटा सा अनाउंसमेंट है दैट फॉर द कमिंग जो ऑगस्ट अटेम्प्ट के बच्चे के बच्चे अगस्त अटैम्प मतलब ये हमारा जो जून अटैम्प्ट प्रोलोंग होकर अगस्त तक चला गया इनके लिए इन अगस्त अटैम्प्ट के बच्चों के लिए हमारा आई का रेगुलर बैच अवेलेबल नहीं है हमारा आई का जो रेगुलर बैच अवेलेबल है वो सिर्फ दिसंबर अटैम्प्ट के बच्चों के लिए है तो ये क्वेरी है जो बार बार बच्चे रेस कर रहे थे सिंस जैसे ही अटैम्प पोस्टपोन हुआ तो उसके बाद में पीपल व लाइक कि हम बिकॉज फंडिंग और एमसीएस के तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को लेक्चर्स पहुंच रहे हैं तो रेगुलर बैच फंडिंग और एमसीएस का तो बच्चों तक पहुंच ही रहा है सिर्फ आई का अवेलेबल नहीं था एंड स्टूडेंट्स ऐसी एग्जाम्स पोस्टपोन है वो डिमांडिंग के आई बी सी का भी लेना चाहते हैं बट आई बी सी का बचेज अवेलेबल ओनली फॉर डिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ओके तो आई का बैच हमारा सिर्फ डिसंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए अवेलेबल है जो अगस्त अटैम्प के बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है तो अगर अगस्त में है आपका तो फिर आपको ये वाला तो रेगुलर बैच का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा आप जो डिसंबर के बच्चे हैं उनके लिए रेगुलर बैच का ऑप्शन बिकॉज द बैच शेड्यूल्ड इन ऑगस्ट से तो हमारा जो बैच है वो ऑगस्ट में शेड्यूल्ड है हम so, अगस्त में ही जो लेक्चर्स हैं वो बच्चों को मिलेंगे तो डिसंबर अटैप्ट के बच्चों को मिलेंगे ओके okay? so, तो अगस्त में आपका है तो वो एकदम रिलेवेंट हो जाएगा ठीक है है तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि अगस्त के के बच्चों के लिए आई एम रियली सॉरी बट बीबीसी का रेगुलर बैच अवेलेबल नहीं होगा फंडिंग और एमसीएस का ऑफकोर्स रेगुलर बैच अवेलेबल है क्लियर है हम लोग यहाँ पे तो दिस इज ऑल अबाउट फंडिंग एंड एमसीएस आई होप दिस टू अनाउंसमेंट दिसमेंट टू हेल्प यू अप एंड एस जैसे जैसे अपने टाइम चलता रहेगा उसके लिए मैं प्रोफेशनल के कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ और लेते हुए यूट्यूब पे आता ही रहूंगा ओके आई होप दिस इज रियली यूजफुल एंड आई होप कि आप इन चीज़ों का इन दोनों चीज़ों का भरपूर रूप से फायदा उठाएंगे वेल बी ऑल फ्रॉम आई एंड थैंक यू सो मच